हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस क्लास नाइन्थ मैथ। स्टूडेंट्स, हमने क्लास नाइन्थ में एक्सरसाइज नंबर 2.3 तक कल कंप्लीट करा दिया था, रिमाइंडर थ्योरम तक। आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर थ्योरम की। मैंने दोनों की डेफिनेशन आपको बता दी थी। 2.4 एक्सरसाइज जो है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल हैज एक्स प्लस वन आ फैक्टर। इसने पहले ही कह दिया कि इनमें से कौन सा पी एक्स है जिसका फैक्टर एक्स प्लस वन होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल हैज एक्स प्लस वन आ फैक्टर। तो आपने नंबर लिख लिया, पी एक्स लिख लिया आपने। इफ़ एक्स प्लस वन इज फैक्टर, अगर एक्स प्लस वन एक फैक्टर है, तब एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो पर चेक करेंगे आप। तब एक्स इक्वल टू क्या आता है? माइनस वन। अब पी एक्स अपने पास क्या है? पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ ये है। अब आप एक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? माइनस वन पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप जहाँ जहाँ पर एक्स दिखाई पड़ेगा, वहाँ वहाँ पर आप क्या राइट करेंगे? माइनस वन राइट करेंगे। तो माइनस वन की पावर 3 प्लस माइनस वन की पावर 2 प्लस माइनस वन प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपने वैल्यू पुट कर दी, माइनस वन की पावर 3 प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन और फिर प्लस वन। माइनस वन की पावर ऑड नंबर माइनस में आएगा, माइनस वन की पावर इवन नंबर प्लस में आएगा, माइनस वन माइनस में आएगा और प्लस वन आएगा। इन सबको आपस में कैंसिल करते हैं, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, क्या आया? सो एक्स प्लस वन विल बी द फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो पहले पी एक्स के लिए एक्स प्लस वन इसका फैक्टर होगा। सेकेंड में चेक करते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एट एक्स इक्वल टू माइनस वन पर। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर पी माइनस वन पर चेक करेंगे, तो पी माइनस वन इक्वल टू माइनस वन की पावर 4 प्लस माइनस वन की पावर 3 प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन, यहाँ प्लस माइनस वन की पावर 4 क्या हो जाएगा? इवन नंबर प्लस आएगा, फिर ऑड नंबर माइनस आएगा, फिर इवन नंबर प्लस आएगा, फिर माइनस वन, फिर वन। माइनस से प्लस वाला कैंसिल, प्लस से माइनस वाला कैंसिल, लास्ट में बचेगा वन। तो पी माइनस वन यानी कि पी माइनस वन पर क्या ये जीरो के इक्वल है? ये तो वन के इक्वल है, तो इसका मीन्स है कि ये जीरो के इक्वल नहीं होंगे। जब ऐसा होगा तो सो एक्स प्लस वन विल नॉट बी द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ऐसी कंडीशन पर फिर ये इसका फैक्टर नहीं होगा, यानी कि सेकेंड पी एक्स सेकेंड पार्ट जो है वो एक्स प्लस वन का एक फैक्टर नहीं है। चलिए इसी सीरीज में थर्ड पार्ट देख लेते हैं। पी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। फिर चेक करेंगे एक्स इक्वल टू माइनस वन पर, पी माइनस वन इक्वल टू माइनस वन की पावर 4 प्लस 3 माइनस वन की पावर 3 प्लस 3 माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा सॉल्व करके, वन। तो यहाँ पर क्या होगा? पी माइनस वन इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो एक्स प्लस वन विल नॉट बी द फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो एक्स प्लस वन क्या होगा? पी एक्स का कोई फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अंडर रूट 2। ये हमने पी एक्स राइट कर लिया। अब एट एक्स इक्वल टू माइनस वन पर चेक करेंगे, क्योंकि हमारा जो जी एक्स है, जो डिवाइजर है, वो क्या है?
एक्स की पावर एक्स प्लस वन है ना, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन पर चेक करेंगे, तो पी माइनस वन पर चेक करेंगे तो माइनस वन की पावर थ्री माइनस माइनस वन की पावर टू माइनस ब्रैकेट टू प्लस अंडर रूट टू इंटू माइनस वन क्या आएगा, माइनस वन माइनस वन प्लस टू प्लस अंडर रूट टू, माइनस 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 टू हो गया, प्लस टू अंडर रूट टू से टू क्या आया अंडर रूट, तो क्या यहाँ पी माइनस वन जीरो के इक्वल है, नहीं पी माइनस वन जीरो के इक्वल नहीं है, सो एक्स प्लस वन विल नॉट बी द फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो हमने यहाँ पर देखिए स्टूडेंट चार पार्ट सॉल्व किए, जिसमें से ये दो पार्ट में तो फैक्टर ये एक पार्ट में फैक्टर आया, बाकी तीन पार्ट में फैक्टर नहीं आया। बहुत ईजिली आप इसे समझ सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस फैक्टर लगा करके चेक करना है, उस वैल्यू में आपको वैल्यू लगानी है पी एक्स में एक्स की वैल्यू, और चेक करना है क्या जीरो आ रहा है, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, पी एक्स इक्वल टू टू एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स की पावर टू माइनस टू एक्स माइनस वन जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक। अब एट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो पर चेक करिए, एक्स इक्वल टू क्या आएगा माइनस वन। अब ये क्वेश्चन में क्या है, जी एक्स एक ही नहीं, पिछले क्वेश्चन में क्या एक ही जी एक्स था, यहाँ पर अलग अलग जी एक्स रखे हैं, इसका जी एक्स अलग है, यहाँ जी एक्स अलग है, आगे जी एक्स अलग है, यानी कि जो डिवाइज़र है वो अलग अलग है, जिसे फैक्टर प्रूफ करना है, यहाँ भी करना प्रूफ आपको फैक्टर ही है, बट यहाँ पर पहले से दे रखा है, वहाँ पर कॉमन दे दिया था, एक ही दे दिया था, तो आप यहाँ पर वही चेक करेंगे तो एट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो पर चेक करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो पी एक्स इक्वल टू टू एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन टू एक्स माइनस वन, तो पी माइनस वन पर आप चेक करेंगे क्या हो जाएगा, टू माइनस वन की पावर थ्री प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट माइनस वन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा टू इंटू माइनस वन प्लस वन माइनस माइनस प्लस टू यहाँ माइनस, तो हो जाएगा माइनस टू प्लस वन प्लस टू माइनस वन, टू से टू कैंसिल, वन से वन कैंसिल, क्या है जीरो, सो जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो जी एक्स क्या होगा, पी एक्स का एक फैक्टर होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह देखिए अगला पार्ट है, देखो एक बार कैसे करके सॉल्व किया गया है, ठीक है, देख लिया आपने, अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ दे रखा है एक्स की पावर थ्री प्लस थ्री एक्स की स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू पे माइनस टू पे चेक करेंगे तो पी एक्स इक्वल टू आपने ऐड कर लिया, पी माइनस टू, माइनस टू की पावर थ्री प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस वन, टू की पावर माइनस थ्री यानी कि माइनस एट, क्योंकि ऑड पावर है, यहाँ पर टू की पावर टू पॉजिटिव हो जाएगी फोर, और फोर थ्री जाए ट्वेल्व, यहाँ पर माइनस का सिक्स प्लस वन, माइनस एट प्लस ट्वेल्व मिलकर के माइनस क्या बनाएंगे फोर बनाएंगे, माइनस सिक्स प्लस फाइव मिलकर के माइनस फाइव बनाएंगे, वन मिलकर के माइनस फाइव बनाएंगे, टोटल क्या आएगा माइनस नाइन, तो पी माइनस टू पर क्या है जीरो के इक्वल है, जिस पर चेक करते हैं वही लिखते हैं, क्या पी माइनस टू पर है जीरो के इक्वल है, नहीं पी माइनस टू पर है जीरो के इक्वल नहीं है, सो जी एक्स इज नॉट द फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो जी एक्स जो है पी एक्स का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देंगे, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू क्या है,
जीरो है। एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू थ्री, पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर थ्री माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, वैल्यू लगा दी, क्या आया? जीरो। सो जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, यस, सो जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कैसे? क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया है कि के की किस वैल्यू के लिए एक्स माइनस वन फैक्टर होगा, यानी कि एक्स माइनस वन अगर फैक्टर है तो फिर के की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया, इन क्वेश्चनों में तो प्रूफ करना था कि फैक्टर है या नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन ने पहले दे दिया कि है, ठीक है। तो गिवन एक्स माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स इक्वल टू वन पर हमें चेक करना है। अब होता क्या है कि कोई नंबर अगर किसी का फैक्टर होता है तो उस वैल्यू पर वो जीरो के इक्वल आता है ना, तभी तो हम प्रूफ कर पाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ने पहले बोला कि जीरो ये इसका फैक्टर है, दैट मीन्स ये जीरो के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा। पी वन इक्वल टू जीरो, यानी कि वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के इक्वल टू जीरो, तो वन प्लस वन प्लस के इक्वल टू जीरो, तो टू प्लस के इक्वल टू जीरो, तो के इक्वल टू माइनस टू, यानी कि के की माइनस टू वैल्यू के लिए एक्स माइनस वन इसका एक फैक्टर होगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट से देखेंगे, पी एक्स इक्वल टू दे रखा टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट टू, गिवन एक्स माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या है जीरो, एक्स इक्वल टू वन, तो पी वन क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, लगा दिया तो टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस अंडर रूट टू इक्वल टू जीरो, तो टू प्लस के प्लस अंडर रूट टू इक्वल टू जीरो, तो के इक्वल टू माइनस अंडर रूट टू माइनस टू, तो के इक्वल टू माइनस यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे अंडर रूट टू प्लस टू, के की वैल्यू आएगी। इसका देखिए थर्ड पार्ट देखेंगे, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट टू एक्स प्लस वन, एट एक्स इक्वल एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन पर चेक करेंगे तो पी वन इक्वल टू जीरो रखेंगे क्योंकि फैक्टर है, तो फिर के वन स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू वन प्लस वन इक्वल टू जीरो, के माइनस अंडर रूट टू प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो के इक्वल टू अंडर रूट टू माइनस, आगे देखिए पी के एक्स स्क्वायर माइनस में थ्री एक्स प्लस के, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन पर चेक करेंगे पी वन इक्वल टू जीरो, तो के वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के इक्वल टू जीरो, के माइनस थ्री प्लस के इक्वल टू जीरो, तो टू के माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो टू के इक्वल टू थ्री, यानी के इक्वल टू थ्री अपॉन टू। इस तरह से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है फैक्टराइज करिए इसको, इसको फैक्टर निकालिए। तो देखेंगे, आपको पता है कि जब हम फैक्टराइज करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, रफली चेक करेंगे तो ट्वेल्व इंटू वन क्या आएगा, ट्वेल्व। अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर करनी है जिसको माइनस, जिसको प्लस करने पर लास्ट नंबर लास्ट वाले साइन से चेक, जिसको प्लस करने पर 7 आ जाए, तो 12 के ऐसे फैक्टर क्या हो सकते हैं, देखो 4 इंटू थ्री क्या होता है 12, और 4 प्लस थ्री क्या होता है 7, तो फैक्टर क्या होगा 3 एंड 4। क्या करेंगे, फर्स्ट ऐसे नोट कर लेंगे, लास्ट ऐसे नोट कर लेंगे, मिडिल वाले में जो साइन है वो लगा दिया, थोड़ा सा स्पेस लेकर के राइट करेंगे। फैक्टर क्या है 4 एंड 3, तो आप वही फैक्टर अंदर पुट कर देंगे 4x प्लस 3x, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 1। अब कॉमन करने की बात आती है तो यहाँ से कॉमन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 कॉमन आ जाएगा और साथ में x आ जाएगा, क्या बचेगा 3 टाइम आ जाएगा, 4 3 जा 12, और एक एक्स पहले आप निकाल चुके हैं, कितने एक्स हैं 2, तो एक एक्स बचेगा, 4x पूरा आ चुका, तो यहाँ से क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। माइनस, अब देखो यहाँ माइनस 3x है, यहाँ प्लस 1 है, अगर हम माइनस साइन को कॉमन कर लें, माइनस साइन को अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ क्या आता है 3x पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हमारे पास एक ये और एक ही दोनों कॉमन है, तो 3x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचता है 4x माइनस 1 हमारा कॉमन बचता है, तो 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो इफ हाँ, तो वैल्यू नहीं पता लगा नहीं, बस आपकी ये फैक्टर पूछे हैं, आप इसे फैक्टराइज कर लिया आपने, ठीक है, ये आपका फैक्टराइज हो गया।
देख लें एक बार। इसका मैं आपको लास्ट पार्ट और करा देता हूँ, देखिए 3x² - x - 4। तो 3×4 = 12 अगेन, 12 के वेक्टर करनी है। कैसे वेक्टर करने के, माइनस करने पर 1 आए, क्या हो जाएंगे 4×3 = क्या होता है 12, और 4 - 3 = क्या आता है 1। तो फैक्टर हमारे इसकी हो रहे हैं 4 और 3 अगेन यही आ रहे हैं। अब आप फर्स्ट नंबर नोट कर लेंगे, लास्ट नंबर नोट कर लेंगे, बीच वाले नंबर पर ब्रैकेट लगा देंगे। फैक्टर क्या है 4×3, दैट इज़ 4x - 3x। अब क्या करेंगे 3x² - 4x माइनस माइनस प्लस 3x - 4। अब आप क्या करेंगे कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे तो क्या आएगा 3x - 4। यहाँ भी क्या 3x - 4 है, तो प्लस में इंटू 1 तो कहीं भी हो सकता है, तो 3x - 4। हमें ये दो ब्रैकेट सेम करने होते हैं, अब ये दोनों सेम होगा तो कॉमन हो जाएंगे, तो 3x - 4 आपका हो गया कॉमन। अंदर क्या बचेगा x प्लस 1, दैट मीन्स 3x - 4, और यहाँ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके दो फैक्टर हो गए। इस तरह से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, ओके।